सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि ऐसा ने बोला था कि भैया कॉपी एंड पेन लेकर बैठना। सो डेफिनेटली मैंने काफ़ी लगभग 10 पेज मैंने नोट किए हैं, उसमें से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और दोनों ही इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त हुए, दोनों इवेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आए। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों इवेंट के अपडेट को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, शुरू से इन तक आपको बहुत ही ज़्यादा अपडेट मिलने वाली। नमस्कार, मैं सुरेश सिंह, प्राउड फंडर ऑफ ऑन पैसिव। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी इवेंट की। ओके, सो जर्मनी इवेंट में सभी लीडर्स जो हमारे पैनलिस्ट थे वहां पे, तो सभी लीडर्स ने अपनी अपनी फीलिंग वहां पे शेयर की। उसके बाद जब यहां पे आयसर आए लास्ट में, तो आयसर ने कई सारे अपडेट यहां पे दिए। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि जर्मनी कंट्री है वो हमारे ऑन पैसिव की रैंकिंग पे नंबर 5 पे आता है। नंबर 5 जो रैंकिंग है जर्मनी की, वो नंबर 5 की है रैंकिंग हमारे ऑन पैसिव में। ओके, नेक्स्ट ऐसा ने यहाँ पर बताया कि जर्मनी में लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। वहाँ के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑन पैसिव के विजन को समझा और फाउंडर बने और लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐसा ने बताया कि जर्मन 2 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जर्मन के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहला ट्रैवलिंग, दूसरा दे आर गिवर्स। ट्रैवलिंग का मतलब हम उन्हें किसी और कंट्री में, ट्रैवलिंग मतलब वो यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं, सो हम उन्हें किसी और कंट्री में नेक्स्ट इवेंट में देखने की उम्मीद करते हैं। यानी कि किसी नेक्स्ट इवेंट में उन मैक्सिमम फाउंडर्स को आयसर बुलाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे दे आर गिवर्स, गिवर्स का मतलब ओ ब्लेस के रिगार्डिंग जो वर्किंग होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। सो ऐसा ने ये भी बोला कि ओ ब्लेस के साथ हम दुनिया भर में मदद करने के लिए काम करेंगे जर्मन फाउंडर्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड प्रीवियस वीक, ऐसा ने यहाँ पर बताया अपने स्लीपिंग के बारे में। स्लीपिंग के बारे में एक दो पॉइंट ऐसा ने बोला कि प्रीवियस वीक यानी कि पहले एक वीक पहले उन्होंने लगभग 24 घंटे में 1 घंटे 59 मिनट सोए हैं। 1 घंटे 59 मिनट 24 घंटे में। और इस वीक में, इस जो अभी ये वीक बीतने वाला, इस वीक में उन्होंने बोला 2 घंटे 8 मिनट सोए हैं। 1 घंटे यानी कि 24 घंटे में 2 घंटे 8 मिनट सोए हैं। सो आप सो सकते हैं, ये बताने का उनका एक ही मतलब है फ्रेंड कि हम अगर एक दिन में हम 22 आवर्स जग रहे हैं, सो इसका मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए फ्रेंड। सो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है और सेम लेवल पर हमारे और भी कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं एंड बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं सेम एज सर के लेवल पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम फिजिकली नहीं जानते। ऐसा ने बोला कि आप फिजिकली नहीं जानते, बट टाइम आने पर ऐसा हम सभी को बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा ने बोला कि हम गारंटी देते हैं कि आपका पोजीशन, आपका जो लाइफ वो बहुत ही बेहतर होने वाला है और आप यानी कि हम सभी बेहतर पोजीशन में होंगे। और हमारे पास लगभग, ऐसा ने ये बोला कि हमारे पास लगभग 200 कंट्रीज में ग्लोबल लीडर ऑफिसेज होंगे और कंपनी उनके लिए, उन लीडर्स के लिए अरेंज करेगी जिन्होंने अचीवमेंट को टच किया है। और हर एक कंट्री में मिनिमम 1 ऑफिसेज होगा और मैक्सिमम 10 ऑफिसेज होगा। इस पॉइंट को ऐसा ने पहले भी बोला था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड, ऐसा ने बोला कि जर्मनी कंट्री है उसमें पॉसिबिलिटीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 ऑफिसेज खुल सकते हैं जर्मनी कंट्री में। सो ये बहुत अच्छी बात है जर्मन फाउंडर्स के लिए फ्रेंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ने बोला, सम मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑन पैसिव। ऑन पैसिव के नेक्स्ट फेज के ऊपर और भी बहुत सारे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा ने दिए, वो पॉइंट प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ने यहाँ पे बोला, हमने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के आइडिया से स्टार्ट किया था 4 साल पहले। यानी कि कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐसा ने प्रीवियस के बारे में बात किया है। सो 4 साल पहले हमने एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के आइडिया से स्टार्ट किया था। उसके बाद दो फाउंडर्स हमने इनवाइट किए थे उस टाइम पे, और दो फाउंडर्स ने अपने फैमिली को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, और उस जगह से आज हमारे पास लगभग 1 मिलियन यानी कि 1.5 मिलियन के आस पर हमारे पास फाउंडर्स की कम्युनिटी है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हमने इंक्रीज्ड किया डिजिटल कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि पहले हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था। ओके, उसके बाद हमने इंक्रीज किया डिजिटल कंप्लीट सोल्यूशन यानी कि डिजिटल
प्रोडक्ट बनाने का आइडिया हमने स्टार्ट किया, डिजिटल कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ने बोला, उसके बाद हमने ऐड किया डिसरप्टिव कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड AI एंड मशीन लर्निंग। उसके बाद हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद होस्टिंग सोल्यूशन के ऊपर भी हमने काम किया, दैट्स कॉल्ड डेटा सेंटर को हमने लाइव किया फिर, उसके बाद मल्टीपल इनोवेटिव लैब्स फॉर फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे बनाया फ्रेंड, डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट के लिए हमने इनोवेटिव लैब को बनाया। और नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ने बोला फ्रेंड, हम मल्टीपल फैक्ट्रीज को ओपन करेंगे एज अ ग्लोबली फिजिकल प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ने बोला, वी हैव मोर इन्वेंशन एंड टुडे दे आर इन अंडर वर्क, यानी कि हमारे पास बहुत सारे इन्वेंशन हैं जो अभी अंडर वर्क में चल रहे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ने बोला, आने वाले समय में हम एवरी मंथ दो न्यू डिसरप्टिव प्रोडक्ट, एक होगा डिजिटल और एक होगा फिजिकल, यानी कि एवरी मंथ हर एक मंथ में दो न्यू डिसरप्टिव प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे फ्रेंड। तो इसका मतलब ये है कि 2023 में 24 न्यू डिसरप्टिव प्रोडक्ट रिलीज होंगे ऑन पैसिव के द्वारा फ्रेंड, ये बहुत अच्छी बात है। और 2024 में एसर ने बोला कि ऑन पैसिव एक टॉप टेक कंपनी होगी। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फ्लोर 134 के लिए, यानी कि बुर्ज खलीफा में जो अपना ऑफिस है वहां पर फ्लोर 134 के लिए फर्नीचर जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है। यह एक्सपेंसिव है लेकिन यह बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। चलिए अब हम बात करते हैं यूके इवेंट के अपडेट के बारे में। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखते रहिएगा। सबसे पहले ऐसा ने यहाँ पर बोला, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के रूप में स्टार्ट किया था एंड इस टाइम पे वी आर प्रिपेयरिंग एंड हम नेक्स्ट फेज के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने डिजिटल फेज से शुरुआत करने जा रहे हैं और थ्री मेन फेसेस हैं। सबसे पहला फेस अल्फा से बीटा तक, यानी कि अल्फा जो हमारा हैदराबाद ऑफिस में अल्फा टेस्टिंग होती है, उसके बाद बीटा टेस्टिंग यानी कि जो हम बैक ऑफिस ओ फाउंडर वेबसाइट में करते हैं, और यह MVP यानी कि मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट पर चल रहा है। नेक्स्ट फेज जो हमारा होता है यानी कि सेकेंड फेज जो हमारा है वो है मार्केट लेबल रिलीज, यानी कि फाइनल टेस्टिंग मार्केट लेबल पर रिलीज करने के लिए फाइनल टेस्ट करना। थर्ड फेज जो हमारा होता है वो होता है गो टू पब्लिकली, यानी कि थर्ड फेज में हम एज अ पब्लिकली लॉन्च करेंगे, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सर्विस को कंप्लीट बनने के लिए तीन फेसेस हैं। सबसे पहला अल्फा टू बीटा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा फाइनल टेस्टिंग यानी कि मार्केट लेबल रिलीज, तीसरा हमारा गो टू पब्लिकली यानी कि डायरेक्टली लॉन्च होना तीसरे फेस में। सो ये हर एक प्रोडक्ट का हर एक सर्विसेज का तीन फेस रहेगा, जो हर एक प्रोडक्ट को इन तीन फेस से गुजरना रहेगा फ्रेंड। और यहाँ पर ऐसा ने बोला, बाजार में हम जाने के लिए यानी कि मार्केट में जाने के लिए हम तैयार हैं और अब हम OMB मतलब ओवर मार्केट वैल्यू को इंक्लूड करने जा रहे हैं, ओवर मार्केट वैल्यू को इंक्लूड करने जा रहे हैं। साथ में वी हैव नाइन प्रोडक्ट जो मार्केट लेबल वैल्यू को एक्सीड यानी कि पार कर गए हैं। हमारे पास 9 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट लेबल वैल्यू को पार कर गए फ्रेंड। और नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ने बोला फ्रेंड, टुडे जुलाई 2nd यानी कि यस्टरडे उन्होंने बोला है, वी हैव अ प्लान यानी कि 60 दिन से भी कम समय में OMB यानी कि ओवर मार्केट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अगस्त के अंत तक। उसके बाद ऐसा ने बोला, डिसरप्टिव फीचर्स रहने वाले हैं। उसके बाद ऐसा ने बोला, मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं हमने। और साथ में ऐसा ने बोला, हमने नाइन प्रोडक्ट्स को 60 दिन के अंदर सेल करने के लिए तैयार किया है, यानी कि 60 दिन के अंदर हमारे 9 प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं फ्रेंड। उसके बाद 90 डेज के अंदर सितंबर के लिए 3 अदर प्रोडक्ट को तैयार करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला, आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने से पहले फ्री में इनकम जनरेट
कर पाएंगे। उसके बाद ऐसा ने बोला ऑन पैसिव एक रेफरल स्ट्रक्चर है, जो ऑन पैसिव में आना चाहेगा वो फाउंडर के जरिए ही आएगा, यानी कि फाउंडर के लिंक के थ्रू ही आएगा जो भी आना चाहेगा कस्टमर या फिर रीसेलर। उसके बाद ऐसा ने बोला सेम सिंगल साइन ऑन ऑन पैसिव वेबसाइट के लिए भी रहेगा, यानी कि सेम सिंगल साइन ऑन पैसिव वेबसाइट के लिए भी रहने वाला है। फाउंडर्स को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला फाउंडर्स को प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा जब हम प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वे इसे तब तक विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे जब तक वे अपने पहले महीने का सब्सक्रिप्शन पे नहीं कर देते। जब तक वे अपने पहले महीने का सब्सक्रिप्शन पे नहीं कर देते तब तक वे अपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर सकते फ्रेंड। इसलिए कुछ फाउंडर के पास अपने वॉलेट से पहले महीने का पे करने के लिए इनफ अमाउंट होगा, यानी कि कुछ फाउंडर के पास उनके वॉलेट में ऑलरेडी उतना अमाउंट होगा जितने से वो अपने पहले महीने का सब्सक्रिप्शन पे कर पाए, लेकिन निकाल तभी पाएंगे जब पहले पे करेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स हमारे लिए कि पे करने से पहले भी हम प्रॉफिट को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ इतना हमारा प्रॉफिट बन चुका है। सो डेफिनेटली हम जल्द से जल्द अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला फ्रेंड ऑन पैसिव में कस्टमर अथवा रीसेलर के रूप में ज्वाइन होने के लिए किसी भी पर्सन को एक फाउंडर के रेफरल लिंक के थ्रू ही आना होगा, यानी कि यही एक तरीका है ऑन पैसिव फैमिली का पार्ट बनने के लिए। किसी को भी आना है तो वो फाउंडर्स के रेफरल लिंक के थ्रू ही उसको आना होगा ऑन पैसिव के अंदर। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हमें नए गेस्ट को फ्री में कुछ प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए इनवाइट करने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि हम नए गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं हमारे कुछ प्रोडक्ट को फ्री में ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं और अगर वे पैसे अर्न कर पा रहे हैं यहाँ पे गेस्ट के लिए बात हो रही है। सो अगर वे पैसे अर्न कर पा रहे हैं तो वे अपने वॉलेट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि वे प्रोडक्ट को बाय करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर लेते, यानी अपने अकाउंट के लिए पेमेंट नहीं कर देते। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला आप किसी प्रोडक्ट को तब तक सेल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास वह पहले ना हो, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका आपके पास पहले होना ज़रूरी है। यदि आप इसे सेल करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदने तक कमीशंस प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जब वो प्रोडक्ट आपके पास होगा तब आप सेल करोगे तब आपको यहाँ पर कमीशन प्राप्त होगा फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम प्रोडक्ट को व्यक्तिगत रूप से पैकेज के रूप में सेल करेंगे और यह कमीशनेबल भी होगा फ्रेंड। ओके नेक्स्ट आंसर ने बोला प्री लॉन्च के साथ हम सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, क्लियर एंड फ्रेश कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट फेज पर जा रहे फ्रेंड। ओके नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला टॉप 5 से 10 कंट्रीज जैसे कि यहाँ पे यूके, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए, कनाडा एंड जर्मनी और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, अगले चार साल आपके वॉलेट में डॉलर ऐड होंगे, यानी कि लगातार आपके वॉलेट में डॉलर ऐड होते रहेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, डेटा सेंटर, ऑफिसेस आदि में हम सुधार करेंगे, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें होंगी फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला मार्केटिंग कई डायमेंशंस में शुरू होने वाले हैं। हम कई कारखाने खोलने वाले हैं, कुछ ही महीने दूर हैं फ्रेंड। हम इवेंट के साथ ऑफिसेस का उद्घाटन करने से कुछ महीने दूर हैं, यानी कि कुछ ऑफिसेस का उद्घाटन भी होने वाला है इवेंट के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला हम नेक्स्ट एडवांस डेटा सेंटर को ओपन करने से कुछ ही महीने दूर हैं। हमारे साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स रेगिस्तान में, समुद्र के किनारे, पहाड़ों में और हर समय क्षेत्रों में कई तरीकों से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड कि लगातार हमारे लिए मेहनत किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला हमारे पास कई इवेंट्स होने वाले हैं, मार्केटिंग स्टार्ट होने वाली है, यह हमारा एक पैशन है, हमारा एक जुनून है मार्केटिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ने बोला फ्रेंड फर्नीचर फॉर वन फ्लोर इन बुर्ज खलीफा इज सो फ्यूचरिस्टिक, यानी कि बुर्ज खलीफा पे जो अपना फर्नीचर है 134 फ्लोर पे
वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हम इसे तैयार होने पर आपको दिखाएंगे, यानी कि तैयार होने पर हम सभी को इसे देखने को मिलेगा फ्रेंड। नेक्स्ट यानी कि लास्ट पॉइंट ऐसा ने बोला, डोंट फोकस ऑन टीम मेंबर्स, डोंट फोकस ऑन मनी, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन वैल्यू। सो आप टीम मेंबर पे या फिर आप मनी पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू होगी सो डेफिनेटली मनी तो बाय प्रोडक्ट है फ्रेंड, मनी तो डेफिनेटली आना है। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड बैक ऑफिस को आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, वहां भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। सो प्लीज अपडेट्स को काफी अच्छे तरीके से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, बैक ऑफिस चेक कीजिए, सारे अपडेट को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।